जलंधर के इमाम नासिर स्थित नगीने की हट्टी नगीना पंसारी से मधुसूदन अग्रवाल की धर्मपत्नी रेनू अग्रवाल, पोत्रवधु महक अग्रवाल एवं पड़पोत्री वृंदा अग्रवाल का सोमवार को टांडा नज़दीक सड़क हादसा होने के कारण निधन हो गया था। स्वर्गीय रेणु अग्रवाल, महक अग्रवाल एवं वृंदा अग्रवाल का अंतिम संस्कार एक साथ हरनामदासपुरा के शमशान घाट में कर दिया गया, जिनकी पार्थिव देह को मुखाग्नि मधुसूदन अग्रवाल व कनव अग्रवाल ने दी। वहीं हादसे में अपनी माता पत्नी व बेटी की एक साथ जान गंवाने पर कनव का रो रो कर बुरा हाल था। अंतिम संस्कार में अग्रवाल परिवार के साथ दुख प्रकट करने के लिए शहर के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोग पहुंचे। इस अवसर पर पूर्व CPS के डे भंडारी, श्री देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, कांग्रेसी नेता जोरावर हैनरी, अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर, मयूरी रेस्टोरेंट से सतीश कुमार शर्मा, उद्योगपति नरेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, इनोसेंट हार्ट्स ग्रुप से अनूप बोरी, शैली बोरी, डॉक्टर रोहन बोरी, प्राणनाथ भल्ला, देशबंधु भल्ला, प्रेमनाथ भल्ला, गोपाल कृष्ण भल्ला, शैलजा भल्ला, ललित भल्ला, पूर्व पार्षद अश्विनी भंडारी, नीना भंडारी, पार्षद पति सलिल भंडारी, विजय भंडारी, रिंकू अग्रवाल, महेश कालिया, अजय लाली सहित असंख्य लोगों ने स्वर्गीय रेणु अग्रवाल, महक अग्रवाल और वृंदा अग्रवाल को नम आंखों से अंतिम विदाई दी।